पब्लिक टीवी आपकी आवाज। जनपद संबल की चंदोसी तहसील क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा जय श्री राम कहने पर भाजपा कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न करने पर उनकी सद्बुद्धि के लिए संकीर्तन किया गया तथा जय श्री राम लिखे हुए 5000 पोस्ट कार्ड ममता बनर्जी को भेजने की तैयारी की गई। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा जय श्री राम कहने पर भाजपा कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है, उसी के विरोध में आज संबल जनपद की चंदोसी तहसील क्षेत्र में सुभाष रोड पर स्थित शिव मंदिर में भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने संकीर्तन कर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना की और साथ ही जनपद संबल से जय श्री राम लिखे हुए 5000 पोस्ट कार्ड पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को प्रेषित किए जा रहे हैं, जिससे कि उन्हें पढ़कर उन्हें सद्बुद्धि प्राप्त हो। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हिंदुत्व पर कुठाराघात जय श्री राम कहने पर भाजपा कार्यकर्ताओं का मुकदमा दर्ज कर उत्पीड़न किया जा रहा है, इसको रोकने के लिए उन्हें सद्बुद्धि प्राप्त हो, इसीलिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा महज वोट बैंक के लिए एक हिंदुत्व का अपमान कर रही हैं। जय श्री राम अगर कोई बोलता है तो उन कार्यकर्ताओं को जेलों में डाला जा रहा है, उनके संग अभद्रता की जा रही है। जिस प्रकार पश्चिम बंगाल में हिंदुत्व का उत्पीड़न हुआ है, कत्लेआम हो रहा है, उसको लेकर ममता बनर्जी को प्रभु श्री राम सद्बुद्धि दें, इसके लिए हमने सुभाष रोड पर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा मोर्चा के तत्वाधान में संकीर्तन का आयोजन किया है और 5000 पोस्ट कार्ड जिस पर जय श्री राम लिखा हुआ हम पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए भेजेंगे, जिससे उन्हें सद्बुद्धि आए और वो हिंदुत्व का अपमान न कर उनका सम्मान करें। ये पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा हिंदुत्व पर जो कोठाघात किया जा रहा है और हिंदू कार्यकर्ताओं के लिए जो उत्पीड़न किया जा रहा है और जय श्री राम बोलने पर भी उसे प्रताड़ित कर रहे हैं, मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, उसकी सद्बुद्धि के लिए आज चंदोसी में ये कीर्तन और पोस्ट कार्ड उन्हें ये जय श्री राम के नारे लिखे हुए लगभग 5000 प्रेषित किए जा रहे हैं ताकि उन्हें पढ़कर उन्हें सद्बुद्धि आए और जो भेदभाव की भावना है उनके दिल से निकल पाए।